हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू सुजुकी जिक्सर SF के बारे में। जी दोस्तों, सुजुकी जिक्सर SF के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या आपका बजट हो तो आप इस बाइक को ले सकते हैं, प्लस इस बाइक में क्या थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, उसके बारे में भी कंप्लीट बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सुजुकी जिक्सर SF लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बाइक के बारे में कंप्लीट एक एक डिटेल्स मैं देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं जिक्सर SF के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपकमिंग सुजुकी जिक्सर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में ही सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है, उसके हिसाब से ही हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ हमें खरीदनी है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर बात करें जिक्सर SF के प्राइस के बारे में, तो ये एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,37,000, 1,37,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फर्क होता है। दोस्तों, ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 1,62,000, 1,62,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस बाइक में इंजन टाइप में 155cc का 1 सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व जो इंजन है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात कर लें इस बाइक की मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क के बारे में। इस बाइक में मैक्सिमम पावर में अराउंड 13.6 का PS पावर है, जो कि 8000 RPM में पावर जनरेट करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 13.8 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 6000 RPM में पावर जनरेट करता है। अब यही कारण है दोस्तों कि इस बाइक को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। देखिए, इस बाइक का जो लुक है वो बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बाइक में पावर की थोड़ी सी कमियाँ हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि भाई सुजुकी जिक्सर जो SF है वो 150cc की सेगमेंट की बाइक है। अब हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में ज़्यादातर जितनी भी 150-160cc की बाइक्स है, उनमें जो पावर अराउंड 15-16 PS के ऊपर ही मिलता है। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि भाई इस बाइक में जो पावर है अराउंड 15-16 PS के आसपास की होनी चाहिए। अगर सुजुकी वाले इस बाइक में इतना अपडेट लाते हैं तो आई थिंक फिर ये बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस बाइक में 155cc का इंजन यूज़ किया गया है। कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको एयर कूल जो इंजन है वो देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। साथ में आपको बाइक में नंबर ऑफ 1 सिलेंडर जो है इस बाइक में मिल जाता है। नॉर्म स्ट्रिप एमिशन टाइप BS6 नॉर्म के साथ में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। बाइक की बोर साइज अराउंड 56mm की है, स्ट्रोक साइज अराउंड 62.9mm की है। साथ में आपको बाइक में SOSE 2 वॉल्व जो इंजन है वो देखने को मिलता है। एंड ध्यान रखिए दोस्तों, जो जिक्सर है वो 5 गियर के साथ में आती है। बाइक में आपको क्लच टाइप में नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच जो है बाइक में देखने को मिल जाता है। सो ये था दोस्तों सुजुकी जिक्सर SF का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। हालांकि दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूंगा कि बाइक का जो इंजन है वो आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। इंजन की क्वालिटी, रिलायबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भैया, ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी, और आपको पता ही कि जापानीज टेक्नोलॉजी की जितनी भी बाइक हो, चाहे सुजुकी हो, यामा हो, होंडा हो, सारी आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इंजन क्वालिटी नो डाउट इनकी आपको बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप लोगों ने जिक्सर चलाई है तो आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के माइलेज प्लस टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों, ये बाइक माइलेज अराउंड 45, जी हाँ, 45 के आसपास का जो माइलेज है इजीली निकाल कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाइक की जो पावर है वो कम है, तो माइलेज तो ये निकालेगी। 0-100 में इस बाइक को लगभग 15.8 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। एंड टॉप स्पीड इस बाइक की 120 से 130 किलोमीटर के बीच में आपको जो टॉप स्पीड है आपको इस बाइक में देखने को
मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले बाइक की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। बात कर लें इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, तो देख ही पा रहे हैं कि बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। फीचर्स भी बहुत सारे हैं, फीचर्स की कोई कमी नहीं है। बात कर ली दोस्तों स्पीडोमीटर के फीचर्स में, तो स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है, ABS लाइट है, साथ में आपको बाइक में लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, साथ में आपको बाइक में मोबाइल फोन यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलता है। फीचर्स भी बाइक में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे नो डाउट, बट हाँ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाइक में स्विचेस दिए हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी स्विचेस के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में पास स्थित लोमी 5 mm टनल सिंगल लैप एंड हॉर्न का स्विच है। राइट हैंड साइड में इंजन किल सीस एंड सेल्फ का जो स्विच है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आपको बाइक में नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। हालांकि बाइक के जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस बाइक में फ्रंट में जो ब्रेकिंग मिलती है बाइक में, आपको सबसे पहले सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है, जो ABS है, जो कि सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको बाइक में देखने को मिलेगा। बात करें प्लेट साइज के बारे में, तो इस बाइक में दोस्तों फ्रंट में अराउंड मेरे हिसाब से 266 mm के आसपास की प्लेट देखने को मिलती है। साथ में फ्रंट में आपको बाइक में 180 के जो टायर है वो देखने को मिल जाएंगे। अब ऊपर आते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइटिंग्स के बारे में। दोस्तों बाइक की जो लाइट्स है ना यार, नो डाउट भैया लुक बहुत बेहतरीन है। भले लाइट की परफॉर्मेंस कैसी भी हो लेकिन इसका जो लुक है ना आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे कि बाइक में आप लोगों को फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा शार्प है। प्लस बाइक की जो इल्यूमिनेशन है लाइट की, मतलब विजिबिलिटी, वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी नो डाउट। बाइक की लाइट तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है, इस लाइट की वजह से मुझे लगता है कि बाइक में अराउंड 16-17 PS की पावर तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी बड़ा लगता है। टनल सिंगल लैप भी बल्ब है। हाँ, टेल लाइट में आपको बाइक में बहुत बेहतरीन LED लाइट मिलती है। बैटरी टाइप में मेंटेनेंस फ्री 3H की जो बैटरी बाइक में यूज़ की गई है। बात करें बाइक के रियर प्लेट साइज के बारे में, ब्रेकिंग की, तो वो 240 mm की है। साथ में रियर में आपको बाइक में 140/60 के जो टायर है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड वही दोस्तों रियर में जो सस्पेंशन है आपको बाइक में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, बहुत प्रीमियम सस्पेंशन है, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल आप राइड कर सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में, यानी कि चेसी भी। बाइक में जो चेसी यूज़ की गई है वो सिंगल डाउन टिप चेसी यूज़ की गई है। हालांकि बाइक की जो चेसी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है नो डाउट। साथ में आपको बाइक का जो ओवरऑल लेंथ है 2025 mm का है, ओवरऑल वीट अराउंड 715 mm का है, ओवरऑल हाइट अराउंड 1035 mm की है, सीट हाइट अराउंड 795 mm के आसपास की, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बात कर ले दोस्तों बाइक के लेंथ सॉरी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 165 mm की है, व्हील बेस है 1340 mm का, कर्व वेट है 148 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 12 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू सुजुकी जिक्सर SF का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों आप लोगों को ये बाइक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप लोगों ने बाइक चलाई है तो कैसे लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।